हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी का ढोकला। ढोकला खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ टिप्स बताऊँगी जिससे आपके भी ढोकला बहुत स्पंजी और अच्छे बनेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने इन्ग्रीडियंट को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1 कप दही यानी कि 100 ग्राम, 1 कप सूजी 100 ग्राम, 1 चम्मच हमने नमक लिया हुआ है, 1 चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड और 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट लिया हुआ है हमने, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चन डालना चाहते हैं तो नहीं डालें, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 कटे हुए नींबू, लेमन फ्लेवर वाला इनो लिया है हमने, कढ़ी पत्ता लिया है हमने, यहाँ पे मैंने ड्राई वाला लिया है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, 4 हरी मिर्च और 1 कप पानी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे सूजी, साथ ही ऐड करेंगे दही। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि दही हमारी खट्टी और गाढ़ी होनी चाहिए, ढोकले के लिए हमें बिल्कुल गाढ़ी दही चाहिए। अब हम ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, अब इसको हम मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी यूज करेंगे इसमें हम, पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हम रख देंगे जिससे सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक हमारी सूजी फूल रही है तब तक हम इसमें स्टीमर की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह का बर्तन लिया हुआ है, आप चाहें तो कोई कढ़ाई या गहरा बर्तन भी ले सकते हैं इसके लिए। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, अब इसमें डाल देंगे स्टैंड और गैस को ऑन कर देंगे और इसको गर्म होने देंगे, कवर कर देंगे इसको। टेन मिनट हो गए हैं, सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है, अब इसको चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नींबू, एक नींबू यूज करूंगी मैं यहाँ पे, एक चम्मच चीनी, नमक टेस्ट के हिसाब से, हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरह से मिला लें। लास्ट में ऐड करेंगे हम इसमें इनो और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे अच्छी तरह से फूल जाए। अब इसको मिला लेंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि इनो डालने के बाद हमें इसे तुरंत कंटेनर में पलट देना है। आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल रहा है, इससे हमारा ढोकला बहुत ही स्पंजी बनेगा। ये मिक्स हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा नन्ना तो पतला। अब हम इस तरह का मोल्ड लेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हमारा जो ढोकला का बैटर है इसमें पलट देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे जिससे बराबर हो जाए। अब हम इसको स्टीम देने के लिए रख देंगे।
पानी हमारा बॉयल हो रहा है तो इसके अंदर हम इसको डाल देंगे मोल्ड को। बहुत ही सावधानी से इसको डालें और इसको स्टीम होने देंगे 20 मिनट के लिए। इसको हम कवर कर देंगे। हमारे 20 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कुक हुआ है कि नहीं। अब हम एक नाइफ डालेंगे और इसको बाहर करेंगे। अगर एक क्लीन निकल रहा है तो इसका मतलब कि हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पक गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको हमने निकाल लिया है, इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे तभी हम कट करेंगे। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अब इसको चाकू की मदद से इस तरह से साइड से निकाल लेंगे। जब भी ढोकला बनाए तो बिल्कुल ठंडा करके ही इसको निकालें, नहीं तो हमारा ढोकला टूट जाएगा। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसको पलट देंगे इस तरह से। इसके ऊपर टैप करेंगे। ये देखिए ढोकला हमारा बिल्कुल तैयार है, कितना स्पंजी बना है। अब इसको हम कट करेंगे। अब हम इसको काट लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी काट लेंगे। ढोकले को हमने काट लिया है, अब इसके तड़के की तैयारी करेंगे हम। अब हम एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे राई और इसको चटकने देंगे। अब हम डालेंगे कड़ी पत्ता, मिक्स कर लेंगे इसको। हरी मिर्च। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर तड़का डालेंगे। इसको चारों तरफ से हम डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारा ढोकला तैयार है, बिल्कुल स्पंजी बना है, आप देख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपके भी ढोकला स्पंजी और अच्छे बनेंगे। आप इसको देख सकते हैं कितना जालीदार बना है। ये देखिए बहुत ही स्पंजी बना है। तो आप भी इस तरह से बस जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।